लोगों को डिवीजन बताऊंगा। डिवीजन होता क्या है, उसे करते कैसे हैं, उसके पार्ट। सो लेट स्टार्ट। डिवीजन इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर हम किसी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करें या उस नंबर को दूसरी नंबर से डिवाइड करें तो दोनों ही जगहों पर आंसर सेम होगा। लाइक एग्जांपल, 12 minus 4 is equal to 8. फिर हम लोग का होगा 8 minus 4 is equal to 4. 4 minus 4 is equal to 0. तो यहाँ पे हम हमें 3 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो आंसर 3 होगा। अब 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 3 ही होगा। अब मैं आपको डिवीजन करते कैसे हैं वो बताता हूँ। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमें 28 को 4 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो हमें ऐसे नहीं करना, सबसे पहले हम लोग को ऐसे ऐसे नहीं तो फिर ऐसे। आपका मन करे वैसा आप लिखो। तो अब हमें 28 को इनके बीच में लिखेंगे। इनके बीच में लिखेंगे और 4 से 4 को इधर 4 को इधर ऐसे ही। हम इसमें भी 28 को इधर लिखेंगे। जैसे कि 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 आ गया 28 कितनी बार में आया तो 7 बार में। अब हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर हम लोग 28 इधर लिखेंगे। फिर हम लोग इसको माइनस कर देंगे। फिर 8 minus 8 0, 2 minus 2 0। और फिर हम लोग इसका भी ऐसे ही करेंगे। फिर इसका हम लोग इधर लिखेंगे 7। फिर हम लोग इधर हम लोग माइनस कर देंगे। फिर हम लोग 8 minus 8 0, 2 minus 2 0। डिवीजन जो होता है वो दो तरीके किया जाता है। यहाँ पे जो इसमें किया ये लॉन्ग डिवीजन था और ऐसे लिखने पर 28 divided by 4 = 2 7, 7, 7, 7. तो ये हम लोग का शॉर्ट डिवीजन हुआ। आपको इनके पार्ट्स बताता हूँ। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। फिर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। ये 28 डिविडेंड है, 4 डिवाइजर है, 7 कोशेंट है। शॉर्ट में रिमाइंडर नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।